नमस्कार, सुबह के 11 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। खबर हरियाणा के मेवात की, जहां पर बीती रात मेडिकल कॉलेज के छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई और इस हिंसक झड़प में 20 से ज्यादा छात्रा और कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए। घटना मेवात के शहीद राजा हसन खान मेडिकल कॉलेज की है। बताया जा रहा है कि बीती रात मेडिकल कॉलेज के कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ पुलिस वालों की कहासुनी हुई और इसके बाद पुलिस वालों ने सिक्योरिटी गार्ड्स की पिटाई कर दी और इसी बीच में शोर सुनकर मेडिकल कॉलेज के छात्र भी मौके पर पहुंच गए और नशे में धुत पुलिस वालों को अस्पताल के अंदर जांच के लिए लेकर आए। छात्रों के मुताबिक इसी बीच भारी संख्या में पुलिस वाले अस्पताल के अंदर दाखिल हुए, छात्रों से मारपीट करने लगे। काफी देर तक यह हंगामा होता रहा। इसके बाद पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत करवाया। तस्वीरें इस वक्त दो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, पुलिस वालों और छात्रों के बीच में झड़प हुई, इस दौरान की ये तस्वीरें। हालांकि बाद में सीनियर ऑफिसर्स वहां पर पहुंचे, इस मामले को शांत करवाया। और दूसरी तरफ तस्वीर पीसीआर वैन की, जो इस हिंसक झड़प के बीच में जलकर खाक। और आपको ये पूरा मामला एक बार हम बता देते हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ। हरियाणा के मेवात मेडिकल कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड से पुलिस वालों की झड़प हुई। आरोप यह है कि पुलिस वाले नशे में धुत थे और उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मारपीट की। पुलिस वाले और सिक्योरिटी गार्ड्स में मारपीट के बाद मौके पर मेडिकल के छात्र पहुंचे और नशे में धुत पुलिस वालों के खून के नमूने यानी कि ब्लड सैंपल्स लेने के लिए उन्हें अस्पताल के अंदर लेकर गए। आरोप यह कि थोड़ी देर बाद भारी संख्या में पुलिस वाले वहां पर पहुंचे और छात्रों की पिटाई करने लगे। छात्रों और पुलिस वालों के बीच हुई झड़प में कई छात्र और पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस का यह कहना है कि छात्रों ने पुलिस की पीसीआर वैन को आग के हवाले कर दिया। छात्रों का आरोप है पुलिस वालों ने केस बनाने के लिए खुद ही पीसीआर वैन को जला दिया। आपको सुनवाते हैं छात्र क्या कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। तो मेरे को धक्का पहले मारा है, इधर मारा मेरा आँख के ऊपर। तो संयम बहुत पिट रहा था, मैं संयम से बोला मेरे साथ हाथ। मैं लेट गया, आजकल लेटने पर छोड़ देते हैं पुलिस वाले, उन्होंने नहीं छोड़ा। देखो लाठी लात मारी सारे में, इस हादसे में तो सर को बचा रहा था तो मेरा सर बच गया। इतने में पुलिस फोर्स ने बाहर में आके जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके अगेंस्ट, आराम से शांति से इमरजेंसी के बाहर बैठे थे हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर, बिल्कुल बिल्डिंग के अंदर इमरजेंसी के बाहर, उनके ऊपर बाहर से पुलिस ने और उनके साथ सुरक्षा बल थे वो ब्लू ड्रेस में जो आर्मी आती है, उन्होंने आगे सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे जो सेफ वे में, उनके सब पे ऊपर लाठी चार्ज किया। इसी के अंदर मेरे ये मीडियल एल्बो मीडियल साइड पे लगने से ये फ्रैक्चर हो गया ना, और एक स्टूडेंट आजम खान है उसके तो बिल्कुल सर में फ्रैक्चर है, उंगलियां फ्रैक्चर हैं। एक रवि बैनीवाल है उसके भी सर पे बहुत ज़्यादा अच्छी चोट आई हुई है। हमने SHO साहब को बुलाया, संजय कुमार जी को फ़ोन किया कि सर यहाँ पे हंगामा हो रहा है, प्लीज़ यहाँ पे आइए। तो उन्होंने कहा जी हम कार्रवाई करेंगे, आप लिखित में दो। महाराज जी कितनी बार लिखे हैं और क्या क्या लिखे हैं आपको दिख रहा है सामने, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। बस उन्होंने मेरे को धक्का मारा और डॉक्टर तेरी दबंग ही छुड़ा दूंगा, तो दिखा देना अपनी, जानता नहीं है पुलिस क्या है। संजय कुमार जी के नेतृत्व में ये सारे फोर्स इन्होंने इस तरह से गदर मचाई जिसमें कम से कम 20-30 बच्चे घायल हुए और एक उसमें से सीरियस भी हैं। और इस पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए मेरे सहयोगी अनिल मोहनिया इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, ये तस्वीरें हमने देखी, मेडिकल स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं और पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, दोनों का पक्ष हमने सुन लिया, दर्शकों ने भी सुन लिया, लेकिन अब आज की खबर इस मामले में है क्या, आगे इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है, क्या किसी पर केस दर्ज किया गया है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर आया हो अभी तक?
जी पूर्णिमा, अभी तक कोई भी ना तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है, ना ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है। दोनों ही तरफ से कोई भी अभी बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक नया कुछ देर बाद पहले ही अभी एक नया वीडियो आया था जिसमें पुलिस कर्मचारी अपनी जली हुई गाड़ी को लेके जाते हैं, और जब कॉलेज प्रशासन के कॉलेज के लड़के जब इस गाड़ी को ले जाने के लिए मना करते हैं तो कहते हैं कि हमारी गाड़ी हमने फूकी इसलिए हम ले जा रहे हैं। ये नया वीडियो आता है जिससे विवाद और गहरा जाता है। जो कॉलेज के सभी स्टूडेंट हैं और जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, स्टाफ नर्स है, जीएनएम है, वो सभी अभी हाथों पे काली पट्टियां बांध के धरने पे बैठ गई हैं। जी पूर्णिमा, पुलिस अधिकारी भी कुछ मौके पर पहुंचे थे, अनिल सीनियर ऑफिशियल्स थे, क्या उनका स्टेटमेंट इस पर आया है? आपने उनसे बात करने की कोशिश की और जब वो पहुंचे उस वक्त क्या हो रहा था? और जो आरोप छात्र यहां पर लगा रहे हैं पुलिस पर कि उन्होंने खुद की पीसीआर वैन में आग लगा दी, इस पर कुछ कह रहे हैं वो? जी बिल्कुल पूर्णिमा, जब इस बारे में हमने डीएसपी समीर सिंह हैं जो उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे को बात का पूरा पता नहीं है, मैं जैसे ही पता चलता है सारी बात आपसे शेयर करूंगा। इस तरीके की उन्होंने बात की है और कैमरे के सामने बिल्कुल बोलने से अभी उन्होंने मना किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और अभी तक कोई मामला भी दर्ज नहीं हुआ है। और एक और वीडियो जिसका जिक्र हमारे संवाददाता यहाँ पर कर रहे थे जिसमें पुलिस इस बात का जिक्र खुद कर रही है कि इस गाड़ी में आग उन्होंने लगाई।